हर हर महादेव, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। काशी नगरी आप सभी को बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता है। यह प्लेटफॉर्म सिर्फ आपके लिए बनाया गया है और यह सेशन डेली आपकी वजह से होता है और आपके लिए ही होता है। आप हैं तो यह सेशन डेली 9 बजे आप देख पाएंगे और कल या परसों से हम एक डेली क्लास स्टार्ट करेंगे, चाहे ज्योग्राफी का चाहे हिस्ट्री का, डेली रेगुलर आएगा, जो कि आपके सुपर टेट के लिए बेहतरीन फ़ायदेमंद होने वाला है। वैसे ज्योग्राफी के लिए स्पेशलिस्ट हैं और सारी चीज़ें हम आपको बताते चलेंगे। इंडियन ज्योग्राफी के मैक्सिमम पार्ट कवर भी हो चुके हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और यूपी टेट के जो मैक्सिमम क्लासेस हैं, मैक्सिमम क्या 98% क्लासेस मात्र इंग्लिश और संस्कृत को छोड़ के आपको बेहतरीन ढंग से दे दिया गया है। अगर आप देख लेते हैं तो हम यह नहीं कहेंगे कि 130 से एक भी नंबर कम आप लाएंगे, ना, हम मान ही नहीं सकते। अगर आप पूरी क्लास देखे हैं, पूरी शिद्दत के साथ देखे हैं, तो एक भी नंबर अगर 130 से कम आ जाए तो आके लिख जाना, लेकिन शिद्दत के साथ, एक नहीं दो बार नहीं तीन बार अच्छे से रिवीजन कर 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 देखिए, उससे बाहर एक भी नंबर नहीं आने वाले हैं। मैथ के हो गए, चाहे एनवायरमेंट के हो गए, चाहे आपका हिंदी स्पेशलिस्ट वीडियो, स्पेशल वीडियो हम डाल रखे हैं, वहाँ पर आप बेसिक क्लासेस भी हिंदी के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में आके। और खैर, टेस्ट सीरीज जो आपके 200-300 क्वेश्चन लेकर कराए गए हैं टॉपिक वाइज, वो भी देख सकते हैं। और सीडीपी के लिए रह गई बात सिद्धांत से, मैक्सिमम प्रश्न आते हैं, चाहे आप सीटेट के लिए ले लें, चाहे आप यूपी टेट या फिर किसी भी स्टेट के टेट के लिए ले लें, तो वहाँ से आपके एग्जाम बहुत ही अच्छे से बेहतरीन तरीके से 70% क्लियर हो सकते हैं मात्र सिद्धांत से। सिद्धांत रेगुलर रहेगा जब तक हम 40-50 मतलब कि 40 के आसपास सिद्धांत न करा दें, तब तक वह रेगुलर चलता रहेगा। आप देखिए उसे, करीब 15 तक हम पहुँच चुके हैं, तो आप फॉलो करें, सारे वीडियोज़ को एक नहीं दो नहीं तीन तीन बार देखें बिना स्किप किए हुए, बहुत ही आनंद आएगा। प्लस शेयर भी कर दें अगर आपको लगता है कि हमें कुछ मिल रहा है, हासिल हो रहा है तो। और डीएलएड के खैर बच्चे हैं तो डीएलएड का एग्जाम 4 सेमेस्टर का बहुत जल्द होने वाला है और उसका सूचना भी हम देते हैं आपको। और डीएलएड जो 4 सेमेस्टर के मैथ हैं और 2nd सेमेस्टर के जो मैथ हैं वो हमने करा रखे हैं पूरे बेहतरीन मैराथन के साथ, राजन सीरीज, पवन सीरीज, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सब अवेलेबल है भाई। अब आप लोग कमेंट करिएगा वीडियो के अंत में, वीडियो खत्म होने के बाद जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो आप कमेंट करेंगे कि हम ज्योग्राफी का सेशन स्टार्ट करें, इंडियन ज्योग्राफी का आप लोग बेहतरीन मैप के माध्यम से, या फिर इंडियन हिस्ट्री का, तो आप जरूर बताएंगे, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री या फिर एंशियंट हिस्ट्री, जो भी बताएं। एंशियंट का मतलब जो मिडेवल हिस्ट्री आता है, एंशियंट नहीं ज़्यादा पूछे जाते हैं कहीं, लेकिन आपका जो एंशियंट में जैसे कि आपका जो आपके बौद्ध और जैन है यहाँ से थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन खैर जो मिडेवल है और मॉडर्न है वहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो उससे बताएंगे आप कौन सा स्टार्ट करें। और इंडियन ज्योग्राफी में हमने बहुत लेक्चर दे दिया है, 15 से 16 लेक्चर मैप के माध्यम से, हमने हिमालय की उत्पत्ति वगैरह देख लिया है ना मैप से, तो आप बताएंगे उसके आगे हम कंटिन्यू कर देंगे। बेसिक क्लास है, वो आपके पीसीएस तक काम देगा भाई, आप अच्छे से बस पढ़ते चलिए। खैर, आज हम जो बात करने वाले हैं, बच्चों का मुद्दा था कि सर 2019 बैच वाले इस शिक्षक भर्ती में बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे, उस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और 2018 वाले अगर यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो उनके पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। बस डीएलएड प्रमोट मुद्दा को लेकर भी थोड़ा सा न्यूज निकल के आ रहा है और यहाँ पर आयोग मानने के लिए बिल्कुल तैयार है, घबराइए मत। और रीट भर्ती आई हुई है, पहले इस पर ही बात कर लेते हैं। देखिए, कुछ बच्चों का कहना है सर रीट हम भर पाएंगे कि नहीं डीएलएड 2019 या फिर डीएलएड या फिर यूपी के कौन कौन लोग भर सकते हैं, अवेलेबल एलिजिबल होंगे। तो अगर बात करें रीट के एग्जाम के लिए तो ये राजस्थान स्पेशल, राजस्थान का है यह वैकेंसी, और इसमें पिछली बार तो नहीं कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन इस बार इन्होंने सीटेट नहीं मांगा है। रीट, आपके पास रीट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा आप यूपी टेट सीटेट देते हैं उसी प्रकार से रीट राजस्थान लेती है। वैसे हर राजस्थान, जैसे यूपी टेट देते हैं आप उत्तर प्रदेश के लिए, उसी प्रकार से सेम रीट भी होता है बच्चा। रीट में क्या होता है कि जैसे आप यूपी टेट का एग्जाम देते हैं वैसे वहाँ पर रीट का एग्जाम होता है स्पेशल उस स्टेट के लिए, जैसे एमपी टेट होता है, बी टेट होता है, यूके टेट होता है, यू टेट होता है, है ना, तो उत्तराखंड का, यूके मतलब यूके मत समझ जाना ब्रिटेन का, है ना, वहाँ के लिए कोई टेट वोट नहीं देना पड़ेगा आपको, सीधा अगर जाएंगे तो ले लेगा वो आपको, ठीक है ना, जाइएगा और बोल दीजिएगा यूपी के हैं और ले लेगा, ठीक है भाई। और खैर बता दीजिएगा, करंट अफेयर से पढ़ते हैं तो हो सकता है ले ले, लेकिन खैर मजाक की बात नहीं बच्चों। यहाँ पर आपको रीट, रीट के लिए स्पेशल अगर आप हैं, रीट आप क्वालिफाई किए तभी इस बारे 32,000 वैकेंसी में आप एलिजिबल होंगे, अन्यथा कंडीशन में आपके पास सीटेट भी इस बार वैलिड नहीं किया गया है, सीटेट रहेगा तो भी वैलिड नहीं है, ठीक है ना। अब इस 32,000 में बात करें कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, अगर जो बच्चा एलिजिबल है, जो बच्चे दिए होंगे, वैसे यूपी के बहुत सारे बच्चे दिए होंगे जो कई 2-3 साल से डीएलएड पास करके बैठे हैं या फिर बीएड पास करके बैठे हैं, तो उन्होंने कई सारे राज्यों का दे रखा होगा एग्जाम। भाई देखना, अगर आप रीट क्वालिफाई हैं तो इस 32,000 में आपके
लिए दरवाजे खुले हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक सीट आपका होगा, बस मेहनत कर लीजिए। लेकिन यह है कि 5% और कुछ क्राइटेरिया बना दिया जाता है कि आप जनरल में क्वालिफाई, मतलब जनरल मार्किंग होगी आपकी और आप जनरल की तरह वहाँ पर ट्रीट आएंगे। जैसे बात करें, अगर आप SC भी हैं, ST भी हैं, OBC भी हैं, तभी हम लोग की तरह जनरल वहाँ पर आप फाइट करेंगे, जनरल सीट पर फाइट करेंगे। जनरल की सीट उसमें दिया गया है कितने, 19,000 के आसपास में है, 19,000 बोल रहे हैं कुछ है समथिंग, आप देख लेंगे उसमें पता चल जाएगा। हमने उसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे डाल रखा है, टेलीग्राम का लिंक नीचे है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि 10 तारीख से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा और 9 फरवरी तक इसमें भराए जाएंगे फॉर्म, अप्लीकेशन वगैरह लिया जाएगा। तो उसके बाद ही कोई एग्जाम वगैरह का डेट तो अभी नहीं है, शेड्यूल किया गया है वहाँ पर, कमिंग सून लिखा हुआ है। और एग्जाम की डेट आपके हो सकता है फॉर्म के एंडिंग तक आ जाए या फिर फॉर्म अप्लीकेबल जब स्टार्ट हो तब आ जाए। तो जो भी हो डेट आ जाएगा, जब फॉर्म भरा जाएगा तो पेपर तो होना तय है। तो आप लोग, मतलब यूपी के लिए हम बात करें स्पेशल, तो आपको रीट निकालना अनिवार्य है। सीटेट जो बच्चे निकाल के बैठे हैं उनको मत समझे कि हम एलिजिबल हो जाएंगे, नहीं, इस बार सारा क्राइटेरिया खत्म है। अब बात करें 2019-22 शिक्षक भर्ती में शामिल होगा कि नहीं, देखना इसमें थोड़ा विशेष मुद्दा है। बहुत जगह आप सुन रहे हैं, अफवाह हो चाहे जो भी हो, अगर ऐसी बातें निकल के आ रही हैं सामने तो मतलब कहीं ना कहीं सत्य तो होंगी ही। ये जनवरी में शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं, जनवरी में शिक्षक भर्ती आ जाएगी। और बहुतों का, खैर सबका, सबके मन में यह दुविधा है या फिर डर है कि हम DLED 2019-22 वाले बच्चे बैठ पाएंगे कि नहीं, या फिर यूपी टेट के रिजल्ट से पहले ये शिक्षक भर्ती आ जाएगी। तो दोनों मुद्दों पर बात करेंगे, आप लोग सुनिएगा ध्यान से, फिर उसके बाद प्रमोट पर बात करते हैं। भैया मान लीजिए जनवरी चल रहा है, अब इस जनवरी में आपको पता है कि आचार संहिता भी लगने वाला है और आचार संहिता के पहले पहले वैकेंसी आना भी तय है। अगर नहीं आया तो फिर हो सकता है कि ना आए उसके बाद, लेकिन एक चीज़ हो सकता है यहाँ पर कि यह वैकेंसी निकाल दें और उसका जो फॉर्म है, फॉर्म फिलअप कराना हो, रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होना हो, वह यूपी टेट के रिजल्ट के बाद करेंगे। इस चीज़ को अभी यहीं तक रखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, अगर शिक्षक भर्ती आ भी जाती है जनवरी में, जैसे DLED के, अब ऐसा तो नहीं कि 2019 बैच के लिए ही निकाली जा रही है शिक्षक भर्ती, नहीं ना, 3 साल से जो बच्चे बैठे हैं उनके लिए भी तो निकाली जा रही है भाई, उनके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि 3 साल से वेट कर रहे हैं उस चीज़ को, है ना। तो खैर, अगर हम लोग एलिजिबल हुए हैं तो हम लोग को बैठने का मौका मिलना चाहिए। अब देखिएगा, सारा ब्यौरा समझिएगा ध्यान से। अगर ये शिक्षक भर्ती जनवरी में निकाल देते हैं और रजिस्ट्रेशन लेना भी स्टार्ट कर देते हैं शिक्षक भर्ती, तो सबसे पहले इनके ऊपर चढ़ाई सुप्रीम कोर्ट पर इनको लेकर कौन करेगा, या फिर इस पर स्टे लगाना बहुत आसान हो जाएगा अगर ये जनवरी में निकाल देते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले एक बोल चुका है, जो शिक्षा मित्र हमारे भाई हैं, शिक्षा मित्र भाई हमारे, उनके लिए 69,000 वाले में जो भाई सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा, कि शिक्षा मित्रों को एक मौका जरूर दिया जाएगा अगली शिक्षक भर्ती में। अब अगली शिक्षक भर्ती मतलब कि इस वाले शिक्षक भर्ती में, अब ऐसे बहुत सारे हमारे शिक्षा मित्र बंधु हैं जो कि यूपी टेट क्वालिफाई नहीं किए हैं और बिना यूपी टेट यानी बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा के कोई भी राज्य, किसी भी राज्य की बात करें, वह शिक्षक भर्ती में एलिजिबिलिटी नहीं रखता है, चाहे जो भी हो बंदा, वह बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाई किए हुए यूपी टेट सीटेट वह शिक्षक भर्ती में एलिजिबल होगा ही नहीं, अप्लीकेबल नहीं हो सकता। यह बातें लिखी हुई हैं, कहाँ लिखी हुई हैं तो बताएंगे भाई, हमारा एक वह है ना, क्या बोलते हैं बच्चा, 1981 का अधिनियम है, हमको बता रहे हैं अभी, अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अंतर्गत ये साफ साफ लिखा गया है, क्लियरली मेंशन है, किसी राज्य का शिक्षक बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा के कोई भी राज्य शिक्षक भर्ती नहीं करा सकता, या फिर नहीं ले सकता, या फिर वह बंदा नहीं बैठ सकता। यह कहाँ लिखा हुआ है तो बताएंगे, 1981 यानी कि शिक्षक अध्यापक सेवा नियमावली के 1981 के अंतर्गत ये सारी बातें उसमें कही गई हैं, मेंशन है, क्लियरली मेंशन है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर ये जनवरी में शिक्षक भर्ती निकाल भी देते हैं तो उस कंडीशन में क्या जो शिक्षा मित्र बंधु हैं हमारे, वो यूपी टेट क्वालिफाई कर लिए होंगे क्या, बताना, यूपी टेट क्वालिफाई हो गया होगा उनका, नहीं ना। फिर सबसे पहली बात, वहां पर अगर यह शिक्षक भर्ती निकाल भी देते हैं तो सबसे पहले स्टे के लिए अगर एक बंदा भी दौड़ गया शिक्षा मित्र का, तो कहानी खत्म इस भर्ती का भी। और सरकार बहुत ही सोच समझ कर मशवरा बनाकर शिक्षक भर्ती निकालेगी इस बार, क्योंकि वह हमेशा चाहती है कि जितने भी रुकावटें हैं वह शॉर्ट लिस्ट हो सके, या फिर जितनी भी रुकावटें हमारे सामने फेस होती हैं
उसको काउंटेबल किया जा सके, उसको काउंटर किया जा सके। या कि कोई भी भर्ती होती है तो इसमें यह तो तय है कि बिना ये सब कोर्ट कचहरी हुए फाइनल हो, यह तो नहीं देखने को मिलता है। या अगर यूपी में शिक्षक भर्ती को खैर लेकर बात करें तो इसमें विशेष रूप से ऐसा होता है, बिना कोर्ट कचहरी के यह मामला ठंडा नहीं होता है। और रह गई बात, और अगर सरकार को पहले से पता हो कि यह तो कोर्ट जाना तय है, अगर हम जनवरी में निकाल देंगे तो जाहिर सी बात नहीं निकालेगी भाई, शिक्षा मित्र वाले रुकेंगे मानेंगे थोड़े कि मान जाएंगे, बताना। जब उनको सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मिल चुका है कि आप लोग शिक्षक भर्ती में एलिजिबल होंगे, और उसके पहले ही सरकार बिना यूपी टेट का एग्जाम लिए, बिना उनके पास रिजल्ट आए, वो शिक्षक भर्ती निकाल देगी, तो कहां से वो एप्लीकेबल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि बिना रिजल्ट के शिक्षक भर्ती नहीं आ सकती। अगर आएगी भी तो सिर्फ मेंशन होगा और उसका एप्लीकेशन स्टार्ट यानी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा फरवरी 24 फरवरी 25 फरवरी के बाद। जब तक यूपी टेट का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं ओपन होगा, इस चीज को याद रखना, ठीक है ना, पहली बात। अब दूसरी बात आते हैं 19 बैच की तरफ, ध्यान से देखना। 19 बैच 2020 में बात करें, एलिजिबल हो जाता यूपी टेट के लिए, क्योंकि यूपी टेट तो कराया नहीं गया 2020 में। और खैर रहेगी बात, यूपी टेट की बात करें 2019 बैच की, तो वह उस कंडीशन में भी अप्लाई नहीं कर सकते थे 2020 में, क्योंकि तब तक मतलब कि सीटेट की बात करें, यूपी टेट तो आया नहीं 2020 में। अगर आता तो यह शायद एलिजिबल हो जाते, क्योंकि उनके हाथ में अगर सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट होता तो एप्लीकेशन डाल सकते थे, रजिस्ट्रेशन कर सकते थे यूपी टेट, और वैलिड भी हो जाता इनका। लेकिन उस कंडीशन में तो आपने निकाला नहीं। और दूसरी तरफ अगर बात करें सीटेट का, तो सीटेट का एग्जाम दिसंबर या लास्ट दिसंबर में हुआ था ना 2020 में, तो उस कंडीशन में आपके हाथ में रिजल्ट ना था सेकंड सेमेस्टर का, रिजल्ट था नहीं था ना, जब रिजल्ट था ही नहीं तो सीटेट के लिए आप अप्लीकेबल थे ही नहीं, उस कंडीशन भी आप बाहर हो गए 2019 बैच वाले। तो साफ साफ मुद्दा है, आप लोग भी एक बार गुहार जरूर लगाएंगे कि जब तक हमारा यूपी टेट का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आप शिक्षक भर्ती नहीं निकालेंगे। और यह तय है अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अंतर्गत में क्लियरली मेंशन है कि राज्य सरकार शिक्षक भर्ती पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा करा के निकालेगी या फिर लेगी, रजिस्ट्रेशन ओपन करेगी। यह बातें साफ साफ मेंशन है, यानी कि साफ साफ कहना है अगर यह शिक्षक भर्ती निकाल देती है जनवरी में, तो यहां पर दो मसौरे तो इसको साफ साफ नजर आ रहे हैं भाई, दो झंझावात इसके पास सामने साफ साफ प्रकट रूप में साक्षात देवी के रूप में है। इसको पता है कि अगर हम भर्ती निकालते हैं तो सबसे पहले कोर्ट में कौन जाएगा, शिक्षा मित्र वाले जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर उनके पास रहेगा, साक्षात सबूत है कि यह सारी चीजें मेंशन होने के बाद भी इन्होंने शिक्षक भर्ती निकाली और रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया यूपी टेट के रिजल्ट के पहले पहले जनवरी में। और इस समय जो प्रदेश सरकार है पूरा उतावला में है, पूरा मतलब कि किसी भी तरह शिक्षक भर्ती आना चाहिए, मतलब कि अपने जीत के लिए वो कुछ भी कर सकती है। एक काम यहाँ पे करा जा सकता है कि बच्चों का कहना है अगर आचार्य संहिता लग गया तो शायद ही वैकेंसी आए, या फिर जनवरी में भी वैकेंसी आ सकता है, एक नोटिस से जारी कर दें सोशल पर, मतलब कि एक तरह से आपके सरकारीरिजल्ट.com पर, सरकारी यानी कि सरकारी रिजल्ट पर एक नोटिस जारी कर दें कि जो आपका भर्ती है वो तो आ गई है भाई, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन कब से होगा, जब यूपी टेट का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद से रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट होगा। अगर यह निकाल देते हैं तो दिल को तसल्ली मिल जाएगी कितनों की, और बेहतरीन भी होगा भाई यही। और एक बात और ध्यान रखना, 2019 बैच एलिजिबल तो हो जाएगा, दूसरी तरफ अगर बात करें, पहले एक बार प्रमोट की बात कर लेते हैं फिर उसके बाद उस तरफ आते हैं, क्योंकि आपके पास अभी 2019 बैच के पास फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं है, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि क्या क्या उनके द्वारा मेंशन किया गया है। एक बार अगर वह ऑनलाइन है भैया, अगर ऑफलाइन आप नहीं बनवा के दे सकते हो, नहीं आ सकता है, ऑनलाइन नहीं भेजा जा सकता आपके डाइट पर, तो आप ऑनलाइन मेंशन करा दो। ऑनलाइन के लिए क्यों आपने मना कर दिया, ऑनलाइन दे बच्चे सारे वहां से डाउनलोड कर लेंगे या फिर देख लेंगे बच्चों, वहां से बच्चे देख लेंगे भाई, हम उस पर भी चर्चा करेंगे थोड़ा सा। डीएलएड प्रमोट मुद्दे की बात करें तो बच्चा देख लेना, 2019 वाले निश्चित रहें कि ये प्रमोट नहीं होंगे भाई, प्रमोट होंगे जो बच्चे पास हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनको प्रमोट होना तय है, क्योंकि यह बातें हमारे SCERT तक जा चुके हैं आराम से, सारी चीज़ें उस पर मतलब कि छानबीन होना स्टार्ट हो चुका है, और राय मशवरा लेना भी लोग स्टार्ट कर दिए हैं। खैर वह भले ही यह डायरेक्टली ना बोलें कि आप प्रमोट हो गए हैं, आपकी हार्ड कॉपी के थ्रू आपको बताया जाएगा कि आपका प्रमोशन हो गया है भाई, आपके हार्ड कॉपी आएंगे आपके
डाइट पर आएंगे, या भले ना डायरेक्ट वो घोषणा करें या फिर अभी तक जो घोषणा नहीं किया है या फिर करेंगे भी आगे, तो हो सकता है घोषणा ना करें कि आप प्रमोट हो चुके हैं। हो सकता है कि यह आपके फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम डायरेक्ट ले लें। इस कंडीशन में आपके जो थर्ड सेमेस्टर के और फोर्थ फर्स्ट सेमेस्टर के जो रिजल्ट हैं, जो मार्कशीट बन के आएगी, वो आपके संबंधित जिले के डाइट पर आएगी। अब वहां से आप पा सकते हैं। अगर आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के मार्कशीट नहीं है, तो आप इस कंडीशन में आई हुई शिक्षक भर्ती से हाथ धो बैठेंगे, इतना याद रखना। और यह भी कंफर्म नहीं है कि शिक्षक भर्ती से पहले या शिक्षक भर्ती के बाद कब आएगी आपका फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का मार्कशीट। इसके लिए हमें दबाव बनाना पड़ेगा, अपने संबंधित डाइट पर अपने संबंधित प्रधानाध्यापक से बात करना पड़ेगा, और या फिर कुछ भी करना पड़े, पीएनपी पर ही अगर धरना करना पड़े तो धरना भी होगा। लेकिन शिक्षक भर्ती में बैठने के लिए आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की मार्कशीट होना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, अभी हम उस पर उस मुद्दे पर आते हैं कि सर देखिए भाई, प्रमोट होना निश्चित है आपका, घबराइए मत, डीएलएड 2019 प्रमोट है, ठीक है ना, घबराना नहीं है। देखना, जब तक बाजुओं में जान है ना, तब तक सब कुछ हमारा है बच्चों। हमें अपने हक की चीज़ें तो पा सकते हैं भाई, बिना हक की चीज़ें हम आपसे मांगते ही नहीं है कि आप मुझे दो, और आप ऐसे हो भी नहीं कि जो चीज़ें हमारे हक में नहीं वो हम मुझे दे दो, इतना धनवान नहीं हो तुम भाई, इतना धनवान नहीं हो तुम। हम खुद अपने हक के लिए लड़ाई करते हैं, तो तुम एक्स्ट्रा चीज़ें हमें देने के लिए क्यों कष्ट करोगे। तुम तो हमारे हक की चीज़ें खुद छीन लेते हो सालों, और अपने जो अपने पास है या फिर एक्स्ट्रा चीज़ें हमें क्यों दोगे, तुम नहीं दे सकते। पहली बात, हमारी हक की चीज़ें तुम मुझे दे दो पहले, उसके बाद आगे देखेंगे। हाँ, नहीं दे सकते भाई। और देने की बात क्या तुम सोच भी नहीं सकते उतनी चीज़ें कि हमें एक्स्ट्रा भी देना है बच्चों को, ना ना बिल्कुल नहीं दे सकते, या बिल्कुल भाई दिमाग से निकाल देना बच्चों की आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी, बस आपके हक की चीज़ें मिल जाएं। और हक की चीज़ें तो हम ले कर रहेंगे अपने, जो हमारे हक में है ना वो हम ले कर रहेंगे, याद रखना। और हमें प्रमोट अब होना तय है, प्रमोट के लिए कोई नहीं रोकेगा। आपका फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम होगा, अभी बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम कब होंगे। देखना, फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम की बात करें, अगर स्कूटनी के फॉर्म डाले जा रहे हैं, आप लोग स्कूटनी के फॉर्म अप्लाई कर दिए, तब तो इतना समझ लेना बच्चों के तीन महीने मिनिमम, तीन महीने रुक जाना, और मिनिमम तीन महीने आपको रुकना पड़ जाएगा। यानी कि अगर जनवरी चल रहा है तो जनवरी फरवरी मार्च तक रुकना पड़ेगा आपको, मार्च अप्रैल मई। अगर अप्रैल में आपका एग्जाम कराया जाएगा तो पीएनपी खुद नहीं चाहेगी आपका एग्जाम अप्रैल में हो, क्योंकि मई जून में 2021 का प्रशिक्षण समाप्त होता रहेगा उस समय, और 2021 का एग्जाम होने वाला रहेगा, तो एक महीने आपको और रुकना पड़ेगा। यानी कि सीधा सीधा पंडा यह है कि आपका जो एग्जाम होगा वो कब होगा। सीधा सीधा अगर बात करें तो आपका एग्जाम फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम, या फिर किसी भी बैच प्रशिक्षु का, चाहे 2017 बैच के प्रत्यावेदन वाले हों, चाहे 2018 बैच के प्रत्यावेदन वाले हों, उन सब का एग्जाम 2021 बैच के फ्रेश प्रशिक्षु के साथ होगा। अगर स्क्रूटनी का प्रोसेस कंटिन्यू रहा तो, अगर बीच में कोई ने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कोई बंदा अप्लाई ना करे, क्योंकि सबको यह जल्दबाजी होगी कि हम एग्जाम दिए बिना पास हों, हमने लिख कर आए भाई, हमको मिलना चाहिए वैसे नंबर, बिल्कुल वह चीज़ें वह डायरेक्ट उसे चैलेंज करेंगे, हम करना भी चाहिए, हम भी रहते तो हम भी करते। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर एक भी बंदा भर दिया स्क्रूटनी का फॉर्म, तो ये स्क्रूटनी का प्रोसेस उस रूप से चलेगा जैसे कि सारे बंदे भरे हों, समझ गए ना, एक भी बंदा अगर भर दिया तो। और रही बात, यह तो तय है किसी ने किसी को भरना ही है, अगर एक भी लड़का भरा तो आपका मान के चले तीन महीने तो इसी में खत्म हो जाएगा भाई। पहले तो आवेदन 27 तक ले रही है, यह 27 जनवरी तक, इसके बाद वह कापी चेक करेगी, कापियां मंगवाएंगी डाइट से, मतलब कि प्रोसेस बहुत लंबा होता है इसका। तीन महीने ऐसे होते हैं जैसे लगता है कोई एग्जाम की कापी चेक हो रही है, ये स्कूटी नहीं चैलेंज रही है, ये लगता है कोई एग्जाम की कापी चेक हो रही है, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम जब भी होंगे इतना मान के चलें 2021 बैच के साथ ही होगा भाई, इसके पहले मुमकिन है या फिर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, अब डीएलएड की बात करें, डीएलएड 2019 बैच के जो प्रशिक्षु जो पास हो गए हैं या फिर जो फोर्थ सेमेस्टर प्रमोट होकर फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम देंगे, वह अपना जो फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड सेमेस्टर का मार्कशीट के लिए क्या करेंगे। देखना, सबसे पहली बात है आप अपने कॉलेज से संबंधित डाइट से या फिर कॉलेज से बात करें, और वहाँ पर यह चीज़ उनसे उनके सामने रखें कि शिक्षक भर्ती आने से पहले पहले हमारे पास हमारा मार्कशीट होना चाहिए। खैर, उनका भी कोई मतलब सेटिस्फैक्टरी रूप से आपको आंसर नहीं रहेगा उनका, वह यही बोलेंगे कि जब तक हमारा पीएनपी कुछ नहीं करता है तब तक हम क्या कर सकते हैं। जाहिर सी बात है,
पीएनपी ही कुछ कर सकती है। तो अगर लास्ट ऑप्शन उनसे एक बार राय मशवरा लेने के बाद, क्योंकि वो भाई बुजुर्ग लोग हैं और हम लोग से ज़्यादा अनुभवी हैं, तो वह जो चीज़ें बोलेंगे वो हमारे लिए सेटिस्फैक्ट्री होगा कुछ, है ना। तो उनसे बात करेंगे, वो जो चीज़ बोलते हैं, अगर अप्लीकेशन डालने के लिए बोलते हैं तो अप्लीकेशन डालिए, भरे थोड़े से भीड़ में, और अप्लीकेशन में मेंशन करिए कि ये शिक्षक भर्ती हमारे, हमको बैठना है शिक्षक भर्ती में। और शिक्षक भर्ती से पहले पहले हमारे पास हमारे फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के पूरा का पूरा ब्यौरा होना चाहिए हमारे पास। अन्यथा के कंडीशन में, जैसे बात करें, मान लीजिए शिक्षक भर्ती आ गई और आपको यह नोटिफिकेशन जारी किया गया था शुरू में, स्टार्टिंग में ही पीएनपी द्वारा, कि आपका जो एग्जाम का जो आपका नंबर होगा वह सेकंड सेमेस्टर के आधार में, सेकंड सेमेस्टर के आधार पर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का होगा और फोर्थ सेमेस्टर के आधार पर आपका थर्ड सेमेस्टर का होगा, है ना। तो आपका फोर्थ सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, मान लीजिए सेकंड सेमेस्टर, मान लीजिए रिजल्ट आपके हाथ में आ चुका है, अब आपका नंबर भी आपको पता है, तो क्या उसका एवरेज ही आप डाल देंगे वहां पर? एक चीज ध्यान देना, पीएनपी हमेशा यही करती है। जैसे कि मान लीजिए आपका 50 नंबर का पेपर होता है भाई, 50 नंबर और 25 नंबर का, 50 नंबर का अगर 80% या फिर 70% निकाले, पहले 80% निकालते हैं तो मैक्सिमम 40 आएगा आपका, 40 नंबर आएगा। अगर इसका निकालते हैं 80% तो 20 नंबर आएगा। साफ साफ मुद्दा यह है कि अगर आप 50 में 40 नंबर पाए हैं, 25 में 20 नंबर पाए हैं सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में, तो आपका भी नंबर वैसे ही होना चाहिए, 80% के आसपास ही होना चाहिए, यानी 80% ही होना चाहिए, मतलब कि 40 नंबर होना चाहिए थर्ड में भी और 20 नंबर होना चाहिए, 20 और 40 होना चाहिए आपका थर्ड में भी और फर्स्ट में भी, यही होना चाहिए, क्योंकि एवरेज उन्होंने बोल रखा है ना। अब आपको कैसे पता है कि परसेंटेज में आपको नंबर दे रहे हैं? नहीं, वो आपको परसेंटेज में नंबर नहीं दे रहे हैं, वो आपको एक नंबर दो नंबर घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे अपना बात करें, हम बीएड का जब हमने एग्जाम दिया था फर्स्ट सेमेस्टर का, बीएड में जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर था, तो बीएड में हमने फर्स्ट सेमेस्टर में लगभग 75% पाया था, 75 पॉइंट समथिंग पाया था। फिर उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया, अब प्रमोट किया गया तो उसमें साफ साफ मेंशन था कि आपका जो बीएड में जो इतने नंबर हैं उसके एवरेज में मिलेंगे। तो हम सोचे थे हमारा कम आएगा भाई, लेकिन हमारा इस बार जो नंबर आया, जो सेकंड सेमेस्टर का हमारा नंबर आया, वो आया 79% के आसपास में, 78 पॉइंट समथिंग आ गया। तो अब बताओ इससे ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ? अगर उससे उसी की बात करें हम, वैसे ही बात करें जैसे हमको मिला है यहाँ पर, तो अगर आपका भी अगर मान लीजिए 80% है, मान के चलते हैं सेकंड सेमेस्टर में, और फोर्थ सेमेस्टर में मान लीजिए 80% है, तो अगर एक भी नंबर का हेरा फेरी हुआ तो आपका 79.6% अगर आता है, या फिर किसी लड़के का 79.4% आता है, तो 79.6% के कंडीशन में आपको कितना नंबर, कितना परसेंटेज मान लिया जाएगा? इसको 80% मान लिया जाएगा। और इस कंडीशन में 79.4 के कंडीशन में आपका जो मार्क्स है वो 79% मान लिया जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अब 79% मान लिया गया, 80% मान लिया गया, लगभग ये तो 80 ही है, लेकिन यहाँ पर नंबर तो कम है आपका, वहाँ पर नंबर भी मेंशन करना पड़ता है कि आपने कितना नंबर पाया है। अगर नंबर में एक भी नंबर, दो भी नंबर अगर वहाँ पर डिसमैच हुआ, तो लास्ट तो आप एग्जाम दे लेंगे, लेकिन लास्ट में सिलेक्शन के समय जब आपका डीवी टेस्ट होगा तो उस समय आपको बाहर कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये सारी मुद्दा है, और आप निश्चिंत रहें और आप अपना मार्कशीट जरूर अपने पास रख लें, या फिर किसी हालत में आपके पास मार्कशीट आ जाना चाहिए शिक्षक भर्ती से पहले पहले, इतना याद रखना, नहीं तो अन्यथा कंडीशन में आप 2019 बैच वाले खुद बाहर हो जाएंगे भाई, ऐसे ही बाहर हो जाएंगे रिजल्ट अगर नहीं रहा आपके पास। तो यह रहा सारा का सारा। और 2018 बैच की बात करें, डीएलएड 2018 प्रत्यावेदन की बात करें, तो आप लोग प्रत्यावेदन दीजिए भाई, प्रत्यावेदन देने से मत पीछे हटिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर तीन बार अगर बैक लगा है किसी भी सब्जेक्ट में तो वह अनवैलिड होगा, मतलब कि वह इनवैलिड होगा, उस कंडीशन में वैलिड नहीं होगा भाई, उस समय हम लोग बाहर होंगे। लेकिन ये ऐसी बात नहीं है, जिन्होंने भी स्कूटनी का फॉर्म डाल रखा है, याद रखें स्कूटनी के रिजल्ट जो है फरवरी तक लास्ट में या फिर फरवरी के बाद आएंगे, मतलब कि मान के चलें मोटा मोटी तो यूपी टेट के रिजल्ट के बाद आने वाले हैं, ठीक है ना, यूपी टेट के रिजल्ट के बाद आएंगे आपके जो स्कूटनी के रिजल्ट आप देखना चाहते हैं, ठीक है। और रही बात अगर स्कूटनी की रिजल्ट में अगर आपका फिर से बैक लग जाता है, भाई जाहिर सी बात है बहुत कम बच्चे पास होते हैं, और जिनका घुस पास चला हो वो तो पास ही हो जाएंगे, अगर उस पर भी चेकिंग वगैरह बैठा अच्छे से तो कहानी खत्म हो जाएगा फिर से, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं है, वह तो बात का बात है, लेकिन अगर आप पास हो गए तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं पास हुए तो चौथी बार आप प्रत्यावेदन जो दिए होंगे, प्रत्यावेदन आपने जो दिया होगा, अब इसके कंडीशन पर, इसके आधार पर आपको चौथी बार मौका मिलना चाहिए। याद रखना, जिन बच्चों को फोर्थ सेमेस्टर पिछली बार 2017 में मौका नहीं मिला था, उनसे एक गलती हुई थी, वो लेट जमा करे थे उस प्रोसेस को, और बाद में क्या हुआ था, उनके द्वारा कहा गया था सीट की बहुत कमी है, सीट कम होने के कारण बहुत लोगों का प्रत्यावेदन नहीं एक्सेप्ट करके, या फिर एक्सेप्ट तो किया गया लेकिन एडमिट कार्ड नहीं जारी कराया जाएगा, पिछली मतलब अगली बार जारी करा जाएगा। तो अगली बार अब आया है मौका, अब उनका अब जाके जारी होगा। और रही बात, जो बच्चे एक बार जमा कर लिए थे और इसमें हमारे सचिव जी चेंज हुए हैं, तो उनका कहना है सर हम फिर से प्रत्यावेदन दें क्या?
तो ऐसा कोई नौबत नहीं, अगर सितंबर के पहले पहले आपने दे रखा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो सितंबर के अगर पहले पहले दे रखें तो एक बार आप और दे देना प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। अगर सितंबर के पहले पहले आप दे रखें, वैसे चार महीने लेके चलना, अगर चार महीने के अंदर अंदर आप दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका एडमिट कार्ड आएगा चार पाँच महीने, अगर पाँच महीने चार महीने साढ़े चार महीने के एवब हो चुके हैं प्रत्यावेदन, तो आप एक बार और दे देना प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है भाई, नहीं तो फिर अन्यथा कंडीशन में रिस्क लेने से अच्छा एक बार और दे देंगे, ठीक है ना। और वहाँ पर जाइएगा तो पूछिएगा उनसे थोड़ा सा, एक चीज़ देखिए कहाँ देना है, बहुत बच्चों को ये भी नहीं पता भाई, SCRT देना है लखनऊ कचा, वहाँ पर उतरेंगे जब आप चार बाग पर, तो वहाँ से आप पूछ लेंगे पता तो सब बता देंगे, और ग्रुप में भी जो बच्चे हैं तो ग्रुप वाले से भी पूछ लेंगे किसी समय, तो वो भी बता देंगे, आपको पता दे देंगे भाई, वो सब बहुत अच्छे दयालु हैं, ठीक है ना। तो आपको कहाँ जाना है, प्रत्यावेदन कैसे जमा करना है, सारी बातें आपके पास होना चाहिए ब्यौरा, ठीक है। और चौथी बार चांस मिलने का, हम तो कहते हैं 98% चांस है आपको चौथी बार चांस मिलेगा, 98% चांस लेके चलते हैं भाई हम, क्योंकि पिछली बार 2017 में हुआ था और इस बार भी प्रत्यावेदन की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई है, 500 प्लस लगभग 600 पहुंच रही है, तो यानी कि निश्चित है जो PNP जो SCRT मांगती है जितनी संख्या, उससे ज़्यादा हमारी संख्या हो चुकी है और हमारा आना चाहिए। इसमें क्या होता है, जैसे किसी एक सब्जेक्ट में अगर मैथ में किसी बच्चे का तीन बार बैक लग चुका है तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाना चाहिए, लेकिन पिछली बार 2017 वालों के साथ ऐसा हुआ था, उन्होंने पेपर दिया था और लगभग चौथी बार फिर से किसी सबका बैक लगा है, बहुतों का बैक लगा है, कॉल आता है। अगर ऐसा कंडीशन आपके साथ ना हो, अगर आप चौथी बार समय के अनुसार अगर चौथी बार आपको मौका मिलता है तो विधिवत पढ़ के जाइएगा, सारा का सारा लेक्चर आपको मैथ का मिल जाएगा, कहाँ पर भाई, इसी प्लेलिस्ट में। और रही बात अगर आपको तीसरी चौथी बार चांस मिल गया, तो याद रखना आपका जो एग्जाम होगा भाई मई जून में होगा, यह बात भी कन्फ्यूजन होता है आपको। और एक चीज़ और बताने वाले थे, देखिए माइंड से स्किप कर गया हाँ, अब यह चीज़ है कि जैसे कि उन्होंने मांग करा था 600 का, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का किसी एक सब्जेक्ट में, किसी एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं मैथ में, अगर मैथ में आपकी संख्या 600 है तो इतना मान के चलना बहुत अच्छा कंडीशन है कि आपका एडमिट कार्ड आ सकता है, ठीक है ना भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एडमिट कार्ड नहीं आएगा। लेकिन अगर बात करें, मान लीजिए किसी का मैथ में बैक है चार बार, किसी का इंग्लिश में है बैक है, किसी का एजुकेशन में है, तो इस तरह से करके सबका अलग अलग में बैक है और सबका मिला के 600 है, 600 प्रत्यावेदन है, तो इस कंडीशन में शायद एडमिट कार्ड नहीं आए, किसी एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम बच्चों की संख्या वहाँ पर दर्ज करानी होगी हमको, तब जाके थोड़ा सा चांस बन जाते हैं अच्छा खासा कि आपके एडमिट कार्ड आ जाए, ठीक है ना। बस यही बातें रही सारी की सारी, आप इसे शेयर करेंगे इस वीडियो को अगर आपको समझ में आया हो सारी चीज़ें, अगर कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, उसका सोल्यूशन आपको उसी कमेंट में दे दिया जाएगा, अनथैक कंडीशन में आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की कोई एक डाउट होता है तो उसके लिए वीडियो बनाई जाती है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, और सारे के सारे UPTET के लेक्चर दे दिए गए हैं भाई, आप क्यों नहीं मानते हैं, UPTET का एग्जाम देना है कि नहीं देना है भाई, 23 तारीख को UPTET का एग्जाम है, इसमें कोई दोहराए नहीं कि नहीं टलेगा, कौन कह रहा टल जाएगा बताना, कोई नहीं, ऐसा नोटिस है ही नहीं कि टल जाएगा UPTET CTET, कभी नहीं ऐसा होगा। अगर कोई ऐसा नोटिस आता है तो आपको दिखाया जाएगा, पब्लिकली आएगा, ऑफिशियली आएगा, ठीक है भाई, ऐसा कोई आर्टिकल के थ्रू या फिर आर्टिकल में कोई बोल दिया कोरोना से मर गया तो UPTET का पेपर में नहीं होगा, ऐसा थोड़े होता है ना। अभी एक सेंटर का नोएडा का थोड़ा सा लीक हुआ था पेपर, तो उसको फिर से रिजेक्ट करके दूसरे दिन कराया जाएगा, 51 सेंटर ऐसे पकड़े गए हैं नोएडा में, प्लस वहाँ पर बहुत बड़ी तरह से तादाद रूप से, मतलब कि उसका जो माहौल बना था बहुत ही बड़े संख्या में पब्लिक करने के लिए, लेकिन बाद में वो पकड़ा जाता है, लगभग 5 लड़कियाँ रहती हैं और 13 लड़के रहते हैं, सबके ऊपर कार्रवाई की गई है। और रही बात आपकी, तो आप अच्छे से पढ़ाई करें भाई, कोई ऐसा नहीं होगा न्यूज, ऐसा कोई न्यूज नहीं है कि UPTET और CTET के एग्ज़ाम नहीं होंगे COVID-19 को या फिर ये जो ओमिक्रॉन है उसके देखते हुए भाई, ये थोड़ी सी बढ़ रही है, थोड़ी सी हमको अपने तरफ से संयम बरतना है, और मास्क वगैरह अपना बॉटल खुद का ट्रांसपेरेंट पेन ये सब अपने आप से ले जाने हैं, ठीक है ना। आप अगर ले जाते हैं तो अगर वहाँ से आपको मिलता भी है पेपर हॉल में, तो आप एग्ज़ाम हॉल में, तो आप उसको कह सकते हैं हमारे पास पेन है, खैर अपना पेन लेकर जाएंगे तो बेटर होगा, ठीक है ना, हाथ हाथ से नहीं लगेगा, आपके पास ही रहेगा वो चीज़ें, तो अपनी तरफ से सेफ्टी बना के जाइए, और हो सके तो अपना जो आपने COVID-19 का टीका लगाया है दोनों डोज का एक बार उसको निकलवा लीजिए, है ना, आपके पास ही रहेगा एक डॉक्यूमेंट्स की तरह, कहीं भी जाएंगे एग्जाम देने के लिए तो वह मांगता है, या फिर ना भी मांगे तो हमारा कर्तव्य भाई हम उसको ले लें, अपने पास रखे रहें, ठीक है ना, डिजी लॉकर में रख लें या फिर अपने जहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखें वहाँ पे रख लें, ठीक है, धन्यवाद।